हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद भी आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली किड्स के लिए जो स्नैक्स रेसिपी होती है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चार रेसिपीज हैं, इसे आप अपने घर में बना के रख सकते हैं। इसे आप एक महीने से ज़्यादा स्टोर भी कर सकते हैं और अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी भेज सकते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कम से कम जो आउटसाइड का फूड है कम से कम खाएं, जो बाहर मार्केट में मिलते हैं चिप्स वगैरह वो कम खाएं। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे मूंगफली और बादाम के लड्डू। ये जो लड्डू है हम इसको जाजरी में बनाएंगे। इसमें शुगर फ्राइश फ्राई बिजली में मिल करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 300 कप इतनी मूंगफली और 1/4 कप इतना बादाम लिया है। अभी में हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा भूनना है, ताकि जो ये मूंगफली है उनके जो छिलके हैं वो आसानी से उतर जाए। अब देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मैं उनके जो छिलके हैं उतार रही हूँ। वैसे बादाम के छिलके तो नहीं उतरते, ठीक है, हम इसको पीस लेंगे। अब हमें पाउडर के फॉर्म में पीस लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब उसी मिक्सर जार में मैं यहाँ पे 1/2 कप इतना जाजरी डालूंगी। अब इसे भी मैं अच्छे से पीस लूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है। अब इसी पाउडर में मैं इसको मिक्स करूंगी और ये सारा मिक्सचर अच्छे से मिला लूंगी। अब लड्डू बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है घी। ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें घी डालिए और इसे लड्डू बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि और ज़्यादा घी की ज़रूरत है तो आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए मेरा जो लड्डू है बनके तैयार है। ये बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। यहाँ पे देखिए हमारे जो बादाम और मूंगफली के लड्डू हैं बन के तैयार हैं। बहुत ही झटपट बनना ये रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को पसंद आएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये है हमारे जो मुरमुरा रहता है, उस मुरमुरे के हम बनाएंगे दाल। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन इसके जो दाल रहते हैं वो बनाना बहुत ही आसान है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इसके दाल बना लेते हैं। इसीलिए मैंने मुरमुरे से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया था ताकि वो क्रंची हो जाए। उसी सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबल स्पून के करीब घी लिया है। उसमें मैंने डाला है ये जो जाजरी है उसको मैंने पोप से इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये जो जाजरी है अच्छे से नहीं धोने तो हमें इसको पकाना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से फोम की फॉर्म में आ गया है। अब मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर। अब मैंने इसको गैस को फ्लेम ऑफ किया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये जो हमने भून लिए थे वो वाले मुरमुरे। इसे अच्छे से मिक्स करना है और ये जो रेसिपी है इसे हमें बहुत ही झटपट बनाना है। यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो फिर टाइट हो जाएगा तो हम उसको शेप नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, उसको घी लगाया है थोड़ा सा, और ये जो बनाया हुआ हमारा मिक्सर है मैंने इसमें डाल दिया है। अब हाथों के हेल्प से या स्पून के हेल्प से हमें इस तरह से इसको पीस कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। वैसे भी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। अब हम इसे मनचाहा शेप में कट कर सकते हैं। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपके बच्चों को कैलोरी पॉपकॉर्न पसंद है तो ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कप इतना मुरमुरा लिया था और बहुत सारे इसके जो दाल बन के आ गए हैं। आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाली मेथड थोड़ी ईजी है तो मैंने यही बना लिया। वैसे भी मेरे घर में ये बहुत पसंद से खाए जाते हैं, मैं हमेशा बनाती हूँ और उसके टिफिन में भी मैं इसको लेती रहती हूँ। अब मैं बनाऊँगी ओट्स के कुकीज़। ये वाली रेसिपी है, ये भी बहुत ज़्यादा हैवी है। आपके बच्चे अगर बिस्किट खाना पसंद करते हैं
तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले 1/4 कप इतना घी और 1/4 कप इतना ही जाजुबी। यहाँ पे भी हमने सोया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, यहाँ पे भी मैंने जाजुबी ऐड की है। आप इसकी जगह शुगर भी डाल सकते हैं या ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन जाजुबी ये ज़्यादा हीवी होता है तो मैंने वही यूज़ किया है। तो इन्हें अच्छे से मिला लेना है। मैंने 4-5 मिनट तक इसको अच्छे से घी में मिक्स कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप इतना बेसन ऐड किया है और इसको भी मैंने अच्छे से मिला लिया है। यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 टीस्पून के इतना बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून के इतना बेकिंग सोडा, इसको भी मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 3/4 कप के इतना ओट्स। इतने मेजरमेंट के लिए 3/4 कप ना जो ओट्स का मेजरमेंट है वो ही सही रहेगा। यहाँ पे आप ज़्यादा बेसन, ज़्यादा घी डाल के और ज़्यादा ओट्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं ड्राई फ्रूट और थोड़े से चॉकलेट। आप अपने मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें आराम आराम से मिलाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके से मिलाना नहीं है, हमारे जो चॉकलेट्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पिएगे तो थोड़ा सा इसमें आप दूध ऐड कीजिए और इसका पाइप ग्लो बना लीजिए। बहुत ज़्यादा जो ग्लो है वो नरम नहीं बनाना है, पाइप बनाना है। देखिए इस तरह से ग्लो बना लिया है। अब मैं यहाँ, आप इसको पैन में भी बना सकते हैं या कढ़ाई में बना सकते हैं, मैं यहाँ इसको अवन में बना रही हूँ। तो आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपको साइज चाहिए उस साइज में ले सकते हैं। देखिए मैं इतने छोटे से साइज में बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जितना भी ब्लू है उससे मेरे 11 कुकीज बन के तैयार है। अब हम इसको 170 डिग्री पे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। वैसे भी हमें बीच बीच में इसे चेक करना है क्योंकि इसमें हमने जाजुबी डाला हुआ है तो जल्दी से बर्न होने की चांसेस रहते हैं, तो हमें चेक करना है। जब इनके कलर इस तरह से ब्राउन दिखने लगेंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे और समझ लेंगे कि हमारे कुकीज रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे हमारी आज की लास्ट रेसिपी, वो है मसाला मखाना। मखाना ये भी ड्राई फ्रूट्स में ही आता है और मखाना बहुत ही हेवी है तो ऐसे तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए आप इसको मसाला मखाना बनाइए जैसे कि मसाला पॉपकॉर्न मिलते हैं, सही उसी तरह से इसकी पेस्ट हो जाएगी। पहले तो इस मखाने को अच्छे से भून लेना है। मैंने यहाँ पे उसको स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया था ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि जो मसाले मैं इसमें डालूँ उस पर अच्छे से चिपक जाए। उसमें मैंने डाला है नमक, उसके बाद मैंने थोड़ी सी जाजुबी डाली है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जीरे का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे आप चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैगी मसाला डाला है क्योंकि मेरे बेटे को मैगी मसाले का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारे मसाला मखाने बन के तैयार है, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये है हमारे आज की रेसिपी जो कि स्पेशली चिप्स के लिए है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट मेरी कुकीज बन के तैयार है। आप इसको चाय या कॉफ़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। साथ ही में इसमें जो चोको चीज का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये भी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और इनमें से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेलन मत जाइए। फिर मिलेंगे शायद नए वीडियो के साथ, तब तक चलिए दुआ में याद रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।